हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद शिल्पा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मैगी का टेस्टी सूप। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। 3 से 4 इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। 1 छोटी मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे। सभी वेजेस को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे इसे मिक्स करते हुए। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 4 से 5 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे और बॉईल आने तक का वेट करेंगे। अब इसमें मैगी टेस्ट मेकर इसमें ऊपर से डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे अब ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद अब इसमें हम मैगी को डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें तोड़ के डालना है। इसमें मैगी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक के लिए इसे कुक होने देंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी मिला के लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे सूप गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 छोटी चम्मच ऊपर से काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म मैगी सूप हमारा रेडी है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं बाउल में। चलिए मैगी की गर्मा गर्म सूप की रेसिपी आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।